दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, ये एक सर्वर रूम है। सर्वर रूम में मैं ये रेशियो का काम आप लोगों को दिखा दिया है पिछला वीडियो में, और यहां पर आज का काम हमारा बास्केट ट्रे लगाने का। बास्केट ट्रे का वीडियो भी हम मेरा चैनल में छोड़ा है एक साल पहले, चाहे तो आप बेंड बनाना उससे सीख सकते हैं। लेकिन आज का काम है, मैं इसमें टी बनाता हूँ, तो टी में क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दोस्तों रूम को एंट्री करेंगे तो उसका नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं बास्केट ट्रे का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। ऊपर का जो पावर रेशियो कुछ इस प्रकार से है इसके ऊपर, और फिर डाटा का जो हम लोग रेशियो लगाने वाले हैं, ओके, यहाँ पर 500/150 का रेशियो लगने वाला है, जो कि ये क्या होता है कि पूरे बिल्डिंग का एक मेन डाटा रूम होता है, इसको एमटीएफ रूम यहाँ पर बोला जाता है। मैं आपको ये बास्केट ट्रे के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ, और मैं बेंड तो बनाता हूँ, बेंड बराबर हो जाता है, और वो बेंड चाहे तो आप, मैं चैनल में छोड़ा है इसका वीडियो एक साल पहले, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं मेरे चैनल विजिट करके। और ये बेंड कैसा, मैं यहाँ पर जस्ट एक मेजरमेंट बता देता हूँ, किसी प्रकार से कटिंग करेंगे तो आप भी बेंड आसान से बना सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ये पीस को पूरा हटाया, ओके, ये पीस को हटाया तो बेंड पूरा अच्छी तरह से बना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब पूरा 1000 mm हमको कटिंग करना है, ओके। ये 500 mm का बास्केट ट्रे है तो 1000 mm कट करके हटाना है। मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक साइड देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, बाद में ये सेंटर का हिस्सा है, सेंटर का ऐसे दोनों साइड से कटिंग करना पड़ता है, और एक साइड को 600 mm है, ओके, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ओके, इतना कटिंग करेंगे तो बेंड आपका पक्का हो जाएगा। बेंड किस तरह से हम बनाते आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। जैसे कि यहाँ पर एक ही क्लिप लगाया गया है, जो कि जॉइंट क्लिप आता है, इसका स्पेशल क्लिप आता है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्टिक को हमने यहाँ से कटिंग किया है, ये सेम पीस है, और उसका जो सेंटर का हिस्सा इधर तक ये रॉड को रखा गया है, ओके, ये दोनों जो 200 दिखा रहा था ये सेंटर का हिस्सा कटिंग किया गया है, और आप लोगों को दिखा रहा था कि एक साइड को 400 mm कटिंग कर दिया है, जैसे कि ये साइड को 400 mm, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर 400 mm नहीं, एक साइड को, कोई भी साइड को इसका 400 mm कटिंग हुआ है, और कोई साइड का 6 mm, मेरे ख्याल से ये साइड को 6 mm है, ये साइड को 4 mm कटिंग हुआ है, हाँ, यहाँ पर 100, 200, 300, 400, तो इधर तक कटिंग हुआ है, ओके, इधर तक कटिंग हुआ है, ये पीस बाकी यहाँ पर बचा था जो कि हम बेंड करने के लिए चाहिए। और हमको प्रॉब्लम अभी क्या फेस करना पड़ता है कि हम देखिए यहाँ पर टी बनाते हैं तो ये सभी टी में ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, तो ज़्यादातर हमको यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये क्या 100 mm का होता है एक स्टेप, हम कटिंग करेंगे तो पूरा एक 100 mm का कटिंग करना पड़ेगा, जब 100 mm पूरा कट कर देते ये थोड़ा इसे शॉर्टेज हो जाएगा, ओके, इसलिए हमको प्रॉब्लम थोड़ा यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते ये बराबर हो गया ज़्यादातर, ये सेम हो गया, जिसके वजह से ये इसका लुक थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, और ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, जो कि इसमें से 20 mm कटिंग करेगा या, हाँ, 20 mm कटिंग करेगा तो ये बराबर होना चाहिए, लेकिन 20 mm कट करके इसको जॉइंट कैसे करेंगे, इसीलिए यही प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है। यहाँ पर ऐसा टाइप का, ये ज़्यादातर टी में यही प्रॉब्लम होगा, आप भी घबरा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है बोल के, लेकिन यही होगा फ्रेंड्स। और बेंड बनाने के लिए सभी बेंड देखिए बराबर से बेंड हुआ है, ओके, जितना ज़्यादा बेंड है सभी टी जगह ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और ऐसे देख सकते हैं सभी बेंड बराबर हो रहा है, बट ये टी जगह थोड़ा प्रॉब्लम आता है, ये शायद हो जाएगा या शॉर्टेज होगा थोड़ा, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये बास्केट का काम खत्म हो गया। अभी आता है ये जो टाइल्स है, ये उन लोग का हमने खोला था और इसको अभी लगाना बाकी है। ये जो सभी उसका फ्रेम आता है वो सभी एक एक जंक्शन में चार चार स्क्रू लगते हैं, वो स्क्रू टाइट करने के बाद ये टाइल्स डाला जाएगा और ऑलमोस्ट आज का काम हमारा ख़त्म है। तो फ्रेंड्स